सब्सक्राइब कीजिए अखिल फ्रीडिश को और बेल आइकन दबा के लेटेस्ट वीडियो पाइए सबसे पहले। तो हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत ही काम की होने वाली, जैसे कि काम की ही बोलेंगे इसे हम। तो जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, हम यहाँ पर डिश फिटिंग का काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक टूल किट बैग है दोस्तों, तो उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले दोस्तों। ये कितने में मिलता है और ये कितना फिट का है, कितने इंच का है, वो भी इस वाले वीडियो में दिखाएंगे हम। किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से आपको इसमें सामान लगा के दिखेंगे इसमें, और दोस्तों ये कहाँ पर मिलेगा उसका भी आपको एड्रेस देंगे हम यहाँ पर। तो दोस्तों इसे अनबॉक्सिंग कर देते हैं। जैसे कि इसकी पन्नी ही निकालना ही दोस्तों, वो आपको हम निकाल के दिखाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं कहूँगा दोस्तों ये वाला बैग है दोस्तों। तो इसके मतलब बोलने का मतलब ये है दोस्तों, इसमें आपको जो सामान है दोस्तों वो कम गिर जाएगा। इसमें इतनी जगह आती है इसके अंदर से, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, एक पैनासोनिक का नाम है यहाँ पर, ब्रांड है। तो ये बैग वाला है जो हमें जो है, तो वीडियोकॉन D2H में और टाटा स्काई में वो वाला बैग है ये। मतलब नाम कुछ अलग से लिख के आ गया है यहाँ पर, जो ये कंपनी है बैग की। तो ये सभी को प्रोवाइड करती है, जैसे कि टाटा स्काई, एयरटेल और जो भी D2H है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका कितना स्पेस है और कैसा है, मजबूत कितना मजबूत है और क्या क्या इसमें बैठेगा सामान। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीटर भी बैठ जाता हमारा, और यहाँ पर आपको सामान भी रख सकते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये वाले यहाँ पर आप स्क्रू ड्राइवर पाने वो भी रख सकते हैं यहाँ पर आप। तो इसे हम बंद करते हैं और आपको दूसरा वाला दिखाते हैं इसके अंदर कितना है। यहाँ पर अभी एक आपको एक पार्टीशन खोल के दिखाया है, ये दूसरा वाला पार्टीशन है। ये बड़ा, इसमें बड़ा पार्टीशन आता है और यहाँ पर भी इसमें भी आप कुछ जैसे कि कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो हिलना नहीं, वो वजह से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी बढ़िया है, इसे रख देते हैं। ये दूसरा पार्टीशन था हमारा, अब इसे हम आपको घुमा के दिखाते हैं। इधर से वाला भी पार्टीशन आता है यहाँ पर, और इसकी बेल्ट की कैपेसिटी रखे तो देखिए तो दोस्तों, यहाँ पर आप इसमें 40 से 50 किलो भी डाल दिए वजन, तो ये आपको कोई फटने वाला बैग नहीं है दोस्तों, बहुत ही मजबूत बैग आता है। तो यहाँ पर इसका जो कपड़ा आता है वो भी बहुत मजबूत आता है। ये बेल्ट भी देख सकते हैं आप, इसमें आप 30-35 किलो 40 किलो तक भी वेट डाल के उठा सकते हैं, ये टूटेगा नहीं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत ही मजबूत बैग है ये। और यहाँ पर देखिए हैंडल भी बहुत ही मजबूत आता है, बेल्ट हैंडल आता है ये। तो कुल मिला के डिश फिटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया बैग है दोस्तों। और कोई भी आप दूसरा भी अगर काम करते हो फ्रिज का या इसी का, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे टूल्स लगते हैं। तो ये बैग सभी टूल्स को कैरी कर सकता है। यहाँ पर देखिए एक दूसरा चैन खोल के दिखाते हैं हम। यहाँ पर एक पार्टीशन है और यहाँ से और एक पार्टीशन है, मतलब दोस्तों हमें 5-6 पार्टीशन मिल जाते हैं। तो इसमें हम बहुत सारे टूल्स रख सकते हैं। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी कुछ कारण की वजह से, यहाँ से आगे हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू वीडियो की। तो ये देखिए हमारा जो पुराना बैग है उसके कैसी हालत हो गई थी, जैसे कि हमें बैग नहीं अवेलेबल नहीं था तो मिल नहीं पा रहा था। तो ये हमारा बैग देखिए किस तरीके से हम यूज़ कर रहे थे, तो इसकी हालत तो बहुत ही लगभग फेंकने की जैसी हो गई थी, तो भी हम चला रहे थे। जैसे कि आप देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद थोड़ा काम भी थोड़ा ढीला हो गया है। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे टूल्स है, तो हमें इसमें आपको इसमें लगा के आपको दिखाते हैं इतने सारे हमें टूल लगते हैं। कोई वीडियो में आपको हम पूरे टूल्स बता देंगे क्या क्या लगता है डिश फिटिंग के अंदर। तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने ये टूल्स इसमें अटैच कर दिए है, कहाँ कहाँ फिट करे दोस्तों आपको बताने के लिए, जैसे कि टाइम आपका ख़राब ना हो, एक एक चीज़ नहीं रखे हमने, आपको पूरा टूल्स रखने के बाद बताया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर ये हमारा मीटर भी यहाँ पर अटैच हो गया है दोस्तों। यहाँ इसका पाउच मिल गया है इसको, और यहाँ पर एक वाल लेवल जो होता है टीवी फिटिंग के लिए काम आता है, वो भी हमने इसमें अटैच कर लिया है। यहाँ स्क्रू ड्राइवर और कुछ पाने हैं, एक 10-11 का, 12-14 का, तो ऐसे पाने के लिए इसमें रख दिए। और भी देखिए यहाँ पर
ये देखिए ये स्क्रू है और ये नट बोल्ट है, ये तो पकड़ नहीं थी उस वाले फोटो में, तो यहाँ पर हमने पकड़ भी रख दिया है। और ये केबल पंचिंग टूल्स है, तो इसके बारे में भी आपको एक आधा वीडियो बना के दिखाएंगे हम, बहुत सारे वीडियो है, इसकी टेक्निक भी बताएंगे किस तरीके से। यहाँ पर एक ड्रिल मशीन लगाने के लिए एक बोर्ड भी है हमारे पास में, वो भी इसमें बैठ जा रहा है। और ये ड्रिल मशीन यहाँ पर देख सकते हैं, एक लंबी एक्स्ट्रा रखना पड़ती है हमें, एक आर्पिटर रखना पड़ता है। और ये चेक नट है ड्रिल मशीन का, नट टाइट करने के लिए, स्क्रू टाइट करने के लिए। और ये एक 12 mm की बीट है हमारे पास में, जो आर पर होल करना होता है हमें तो केबल के लिए। तो यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया बैग मुझे तो दिखाया है, आपको भी अगर चाहिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, या तो इस वाले वीडियो में आप भी कमेंट कर सकते हैं आपको चाहिए तो। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मिल जाता है हमें 10 से 11 12 इंच के अंदर, मतलब कुछ 10 11 इंच मिल जाता है इधर से हमें। और इसके चौड़ान में देखिए 17 इंच या तो 17 इंच मिल जाता है हमें, 16-17 इंच। तो इतना बड़ा बैग है दोस्तों ये, और सभी हमारे जितने टूल्स है वो बैठ जाते हैं। अभी भी इसमें बहुत सारी जगह है खाली, जैसे कि आपको कोई सेटअप बॉक्स वो ले आना है इसके अंदर तो वो भी रख सकते हैं, अभी इतनी जगह है इसके अंदर। तो ये बैग आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद और दोस्तों जय भारत।